दोस्तों, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको पकौड़े वाली कढ़ी, और आप लोग भी देखिए मेरे साथ। और मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कोई पैसे नहीं लगते हैं, जल्दी से कर दीजिए, एकदम फ्री है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ी बनाने के लिए बेसन ले लिया है, और ऑयल है, और ये प्याज ले लिए हैं, और एक हरी मिर्च काट के ले लिए मैंने, और कड़ी पत्ता लेना है हमको तड़के के लिए। और यहाँ मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, और गरम मसाला है, और ये प्याज और लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने, और नमक। दही लेना है हमको घोल बनाने के लिए कढ़ी का। तो अब हम कढ़ी का घोल बनाएंगे। तो मैंने एक कढ़ी बर्तन में यहाँ पे दही ले ली है, और बेसन ले लूँगी, दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, मक्खी से मत लेना है आपको अच्छे से। और फिर इसमें बेसन ऐड करना है, बेसन ऐड करने के बाद इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, घोल एकदम अच्छा बनना चाहिए हमारा बिना गुठलियों का। पानी अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। एक बार की पानी डालने से क्या है, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, फिर उसको बाद में बहुत दिक्कत करता है घोल बनने में। तो यहाँ अब मेरा कढ़ी का घोल भी तैयार हो गया है। अब ये मैं इसको अब 5 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, और इधर अब मैं पकौड़े बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने इसमें बेसन लिया है, और जो प्याज है आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड करना चाहो तो कर लीजिए, ना अगर बच्चों के लिए है तो मत करिए ऐड। और इसमें थोड़े मसाले भी हमको ऐड करने हैं, जितने मसाले हमने लिए हैं, हल्दी लेना है हमको, और लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, और थोड़ा गरम मसाला भी लेना है, और नमक हमको इसमें हल्का डालना है, क्योंकि बाद में हमें कढ़ी में भी पड़ेगा, तो इसलिए नमक हमारा ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम कम ही इसमें नमक डालेंगे। और फिर पानी डाल के हमको पकौड़े के लिए घोल बना लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से फूलें। और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फुलाना चाहते हैं पकौड़े को, तो आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे बेकिंग सोडा का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, और बेकिंग सोडा ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें पकौड़े अपने फ्राई कर लूँगी।
इसको इसको अलटते पलटते हुए हमको चलाना है, वरना एक साइड से फिर ये जल जाएंगे। और थोड़ा मीडियम आँच पे सेकिए पकौड़ों को, और अच्छे से सिकेंगे फिर ये अंदर तक पक जाएंगे पकौड़े, तो फिर कढ़ी में पड़ने के बाद ये पकौड़े सॉफ्ट ही रहेंगे। और यहाँ मैं तड़के के लिए मैंने मेथी ले लिया है, मैं मेथी से कढ़ी में तड़का लगाती हूँ। और फिर इसमें हींग ऐड करूँगी चुटकी भरी। और अब मैंने प्याज जो तड़के के लिए बचा के रखी थी, वो प्याज, करी पत्ता और हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी। और प्याज को मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सॉफ्ट ही रखूँगी इसको, बस इसका कच्चापन निकल जाए। तो जो मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो भी इसी में ऐड कर दूँगी। इस पेस्ट को होने के बाद मैं जो मैंने मसाले लिए थे उन मसालों को भी मैं इसी में ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी, नहीं तो ऐसे पकाएंगे तो मसाले हमारे बिना पानी के तो जल जाएंगे, ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी, फिर इसको पका लूँगी अच्छे से ऑयल छोड़ने तक। और अब मसाले हमारे हो गए, तो जो हमने कढ़ी का घोल बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर लीजिए, कितना पतला कितना गाढ़ा खाना चाहते हो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर लीजिए। शुरुआत में हमको कढ़ी बराबर चलाते रहना है, क्योंकि इसमें दही ऐड है तो दही हमारी इसमें फटने का डर रहेगा, तो इसलिए हमको इसको कढ़ी को बराबर चलाते रहना है। जब एक उबाल आ जाए तो फिर इसको हल्का मीडियम कर दीजिए, खोलने दीजिए। और अब हमारी कढ़ी खोलने लगी है। कढ़ी को मैं बराबर चला रही हूँ, क्योंकि दही नीचे लग भी जाएगी। और अब बस कढ़ी हमारी खोल गई है, तो अब इसमें पकौड़े ऐड कर देने, जो पकौड़े हमने बना के रखे थे। और फिर इसको भी दो से तीन मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना पकौड़े फूट जाएंगे हमारे इसमें। तो बस कढ़ी हो गई है तैयार बनके, आप इसे चावल या रोटी किसी से भी आप इसे सर्व करके खिलाइए। तो Thank you for watching.